लगता है यही बस हो सकता है। चलो देखते हैं डॉक्टर से पूछते हैं। ओके चलो भाई जापानीज गाने। ओके चलो अपना संदीप। अरे कितना दूर जा रहा है क्या लेडीज की बैठी हुई। हाँ हाँ हाँ, उससे अच्छा मैं लास्ट में बैठ जाता हूँ ना इधर से पूरा। भास्को के मार्केट से आप लोग को एक दूसरा बस लेना पड़ेगा जो जापानीज गार्डन और बीच को आएगा। वो 15 रुपया एक आदमी को लेता है। चलो ठीक है संदीप रुक भाई। चलो अभी हम आप लोग को मैं एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ जो नाम सुनने में इतना इंटरेस्ट है कि आप लोग को उधर जाके कितना मज़ा आएगा फिलहाल दिखाऊंगा। ये है बस स्टॉप इधर का। चलो अब मैं और मेरा दोस्त संदीप अभी हम लोग जा रहे हैं। तो फोन पे बिजी है। मिला हमको एक्चुअली इधर पहली बार आए हैं ना तो उसका लोकेशन एक्चुअली पता नहीं और जाने का रास्ता किधर है। तो अपना दोस्त अभी गूगल पे वो सर्च कर रहा है। पता नहीं वो कौन सा उसको मिला नहीं मिला पता नहीं। नाम है जापानीज गार्डन। चलो देखते हैं आगे जाके। ये रास्ता तो एकदम सुनसान लग रहा है रे।
ये हमको टर्न लेफ्ट, ये इधर से लेफ्ट जाना पड़ेगा ना। ठीक अच्छे तो वेट पहुँचे तिरजन डाल ना। अच्छा और सही है, ओके ओके सही बता रहा है। चलो ठीक है हम लोग चलते हैं आगे, वो समंदर दिख रहा है। संदीप बोलो क्या दिख रहा है भाई, एरोप्लेन दिख रहा है क्या? हाँ एरोप्लेन जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिख रहा है या नहीं पता नहीं। ये देखो शायद हम पहुंच गए लगता है, इधर तो इतना भीड़ है नहीं, कोई दिख नहीं रहा। नहीं देखो वहाँ से हम लोग आते तो अच्छा हो जाता है वो जगह। अरे रुक ना भाई, वाह देखो अच्छा ऊपर से नीचे है रे, वो साइड में पूरा सी है, समंदर है, है? सब राइट राइट। ये रहा वो गार्डन अरे पानी पानी भी इधर से मैं दिखाता हूँ आप लोग को। वाह कितना ओ कितना मस्त जगह है भाई, ऊपर से एकदम देखो उसका। अभी देखिए थोड़ा नीचे जाएंगे, ये देखो पूरा हो रहा छोटा आइलैंड जो दिख रहा है ना, दिनों तक नहीं कैसे। चलो अब मैं नीचे लेके जाता हूँ, वो रास्ता तो दिख रहा है ना, इधर से जाना पड़ेगा। चलो ठीक है ओह रास्ता में एक बकरी मिला, चलो अभी मैं उसके अंदर लेके चलता हूँ। ये क्या लिखा दुर्गा माता श्री, हेलो हाँ ये अपना दोस्त है उधर से पहुँच दे रहा है, लेकिन ये मेरा वीडियो है तो इसको क्या करेंगे। देखो अभी इधर से मैं जा रहा हूँ, वो ये देखो पूरा समंदर, उधर पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। चलो आगे जो दिख रहा है ना वो आइलैंड, उधर हमको जाने का प्लानिंग है। शायद अभी इधर से बोट वोट मिल रहा है कि नहीं वो देखते हैं, मिलेगा तो जाएगा, अगर मिला तो मैं वो आप लोग को पूरा ज़रूर दिखाऊंगा। देखो वहाँ से हम लोग आए,
ये जगह तो इतना फेमस है नहीं लगता है, लेकिन एकदम शांति के लिए सही जगह है। अगर इधर आप लोग इवनिंग टाइम पे आया तो थोड़ा इधर बैठने का एकदम मन शांति लगेगा। कभी आप लोग को गोवा आए तो ये एकदम इधर ही आ जाओ, इवनिंग के टाइम सनसेट का व्यू एकदम मस्त है। आगे है वो माँ दुर्गा मंदिर का वो मंदिर है। हम लोग इतना दूर से आए हैं और इधर माता का मंदिर है, तो चलते हैं माता का दर्शन भी कर लेते हैं। इधर अपना अपना चप्पल रखना पड़ेगा। जाएंगे तो जाएंगे, इसमें क्या है। हम लोग कभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये देखो बीच को जाने के लिए मन एक्साइटेड हो रहा है, चलो जल्दी चलते हैं। बीच का नाम है ग्रैंड मदर बीच। पूरा नजारा दिखाएगा, देखो अपने लोग ये देखो पूरा ब्लैक स्टोन इधर पूरा। ये देखो वो बीच का साइड का नजारा।
कितना मस्त जगह है, एकदम पीसफुल जगह। शाम के टाइम इधर आ जाने का, बैठ जाओ तो मस्त लगेगा, शांत जगह है। अपना दोस्तों देखो, चलो अभी मैं ये देख लो भाई। आज बहुत धूप था भाई, एकदम धूप में घूम घूम के एकदम काला हो गया। तो देख रहे होंगे ना ऑटो पे, इसमें इतना काला है ही नहीं, धूप की वजह से ऐसा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इधर का बहुत मज़ा आ गया। चलते चलते हाँ, इधर एकदम शाम शाम के टाइम एकदम अच्छा है, चलेगा ना। ये है जापानीज गार्डन, चिल्ड्रन पार्क भी बोल सकते हैं। अरे वो लड़का को देखा ना, वो मुझे कैसे देख रहा था। थोड़ी देर में हम लोग जापानीज गार्डन से बाहर जाएंगे। ओ कौन सा बीच था भाई? ओ ग्रैंड मदर का, ग्रैंड मदर बीच। ओ बहुत अच्छा है, एक बार आके देखो। ये गार्डन के नीचे जाना पड़ता है। ये देखो बहुत अच्छी जगह। हाँ ये बच्चे लोग अगर लेके आए तो साथ में उन लोग भी इधर खेल सकते हैं। ये देखो इधर बच्चे लोग खेलने के लिए पूरा जगह है, बड़े लोगों के लिए वो नीचे। अभी उधर शेड की जाओ जी, वो तो भरो हर शेड जिया में है, पहले बोट मिल लाने, बोट मिल लाने आओ जी। अभी तो बोट वाली जाओ जी, खुद जाओ नहीं। अगर तुमको कुछ जूस वूस पानी वानी लेना है तो वहाँ से लेकर जा सकते हैं। ओ, क्या करेंगे?
कुछ तो लेना पड़ेगा ना संदीप, क्या गन्ने का दूध लेंगे? चलो तीन गन्ने का दूध लेते हैं। हम लोग बहुत धूप में घूम के आए हैं ना, थोड़ा गन्ना का जूस लेके। थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को टाइम पर देखने के लिए ऐसे ही देखते रहे और दोस्त लोगों को भी शेयर करें। आप लोग को मैं नई जगह दिखाऊँगा। थैंक यू।